अपने प्रधानमंत्री को नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री को नाम क्या है? ऐसा गलत। के गोट रहे छोटू? के कबूतर। वेरी गुड। एक बड़ी समस्या है, वो छत की समस्या। स्कूल की जो छत है वो बारिश के टाइम में पूरी पानी नीचे आता है। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम, नमस्कार। मैं सुदेश और थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लिया, पास में बनी एक बेल आइकन है, बिन थे जरूर प्रेस कर दिया। आज मैं एक गांव में आयो, दंडखुर्द गांव में के ग्रामीण वासी जगह मान लगे को 10-15 है जगह घर है ये जगह। मैं एक गाँव को आज निरीक्षण करने पहुँचो, लेकिन जब कोई लोग बाग हा को नहीं तो वास्ते एक गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय है दंडखुर्द। और अंदर जागे जकी व्यवस्था है, व्यवस्था देखूंगा और थाने अंदर तक की व्यवस्था बताऊंगा कि अंदर साल के रही है, कितना टीचर है, बच्चा कितना है, आज प्रेजेंट कितना है। एकदम आराम हुआ अपन विजिट करना। एक महीने स्कूल का मैंने विजिट करे, स्कूल को जो को कंडीशन है बहुत ठीक लग रही है, एकदम ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है, साफ सफाई है, पेड़ पौधा भी लगाया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय दंडखुर्द। नमस्कार सर। राम राम। राम राम जी। राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया जी। थे सुनो, मतलब देखे करो झलको बीकानेर? झलको बीकानेर बिल्कुल देखा सा, बिल्कुल देखा। आज क्या लगे, मतलब मैं गांव में एड़ा थारे लोग बाग हागो नहीं तो मैं सोचो चलो निरीक्षण कर ले, क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है साहब, होना भी चाहिए गांव में। मतलब छोटा छोटा गांव है, पिछड़ा गांव है, आवाज उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। कितना सालों से काम कर रहे हो? काम साहब 3रा साल है अभी, नई पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग। अभी बच्चा जगह कितना एड़ा है? बच्चा 18 टाबर है। और अच्छा, हाँ। टोटल नामांकन कितना है? नामांकन अपना 28 को है अभी। अच्छा, 10 बच्चा आज प्रेजेंट को नहीं? 10 बच्चा नहीं है अभी। रमजान मोहम्मद। रमजान मोहम्मद। रमजान कौन सी क्लास में पढ़ रहे? पांचवी क्लास में पढ़ रहे। अच्छा, अपने प्रधानमंत्री को नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री को नाम क्या है? ऐसा गलत। दो को पढ़ा हुआ है? हाँ। बता। 1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 10, 6, 2, 12, 7, 8, 16, 9, 2, 8, 10, 2, 20। मस्कुदा कौन सी क्लास में पढ़ रही है? चौथी क्लास में। आपने राजस्थान में कितना जिला है? 33। किसी क्लास में पढ़ रही है? पांचवी क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, तो किताब उठा, किताब। अच्छा, तो मैंने एक आज की लाइन है नी आप पढ़ के बता की है। कौआ, मोर, गिलहरी, तोता, पंख, का, कौन होता। हाँ, एक प्रश्न है कि कौवा, मोर, गिलहरी, तोता, इनमें तन आ चीज बतानी है कि बिना पंख खड़ो कौन है, तो बता कौन है हम? गिलहरी। गिलहरी। गिलहरी पंख कौन ही है? नहीं। कन्फर्म है? हाँ। अच्छा, और गुणा वगैरह है? गुणा। हाँ। गुणा भाग आवे सारा है। चलो ठीक है, मैं बोर्ड पर है जो करवाने की कोशिश करूंगा। गुरुजी है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो गुरुजी, सारी चीजें बच्चा ने पता है। नहीं, बच्चा ने कोशिश करा रहे हैं, जितो भी हो सके मतलब पढ़ सके, पिछड़ो गांव है। हाँ। तो आपने तरफ पूरी कोशिश करी हो साहब। हिंदी पुस्तक को पहलो पाठ है, जो पहलो पाठ पढ़ा हूं मैं, पहलो पाठ पढ़ बैठा हूं। भारत मां का सदन सुहान सनेहे यहां। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4 एक तो बहुत बढ़िया है गुरुजी की किताब वगैरह फाटेड़ी को नहीं। किताब तो के भी रखे, अभी किताब मिले तो अपन बढ़िया तरीके में रखनी चाहिए, मतलब सरकार दे रही है अपन तो फायदा उठाना चाहिए किताब वास्ते, बढ़िया रखे बच्चा किताब। ये में यह है कि बच्चा जैसे मान लो कोई पढ़ना कौन जाने, तो यानी धीरे धीरे जैसे मात्रा है और है, नाम वगैरह पढ़ना धीरे धीरे यानी सिखा रहा, मतलब छोटी क्लास में बच्चा उठड़ है तो मतलब बिल्कुल जीरो स्टार्ट करना पड़े, बड़ी क्लास में तो बच्चा सीख के जावे और अटे बिल्कुल बच्चा अपने शून्य हो गया है, तो अपना धीरे 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 ने जहाँ भी किताब पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़ा है, जो भी है धीरे धीरे ने सिखाओ, तो मतलब इस तरीके से अपने ये सिखा सकते हैं इनको धीरे धीरे, जैसे किताब पढ़नी है वो। तो मैं बच्चा के जगह नाखून चेक कर रही हूँ भी, साफ सफाई की तो समझो तो है जगह, नाखून बताओ थोड़ा सा। ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा। ये बच्चा ये गाँव से हुआ है तो समस्या के फेस करनी पड़ी था? देखो सबसे पहले समस्या तो ये है कि छोटे बच्चे मतलब इनको कोई मतलब उनको नॉलेज नहीं किसी चीज़ का, मतलब कैसे आना है, ना क्या आना है, नहीं आना है, जैसे ही आ जाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या तो यही रही। तो बच्चों को बताया भाई आप ना क्या करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठे, दांत वगैरह साफ करके, नाखून साफ करके आया करो, और ये चीजें बता रहे हैं और बच्चे उस पर गौर भी कर रहे हैं। वो गेट एकदम टूटेड है, मतलब एकदम वो खराब गेट कंडीशन में गेट है, मतलब तो मतलब कोई और कॉल कर सुधार? नहीं अभी तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाँ। थोड़ा बहुत जो बजट आता है वो जैसे रंग रोगन करवा रखा है, ग्राउंड की सफाई भी करवाई है और पानी की व्यवस्था करवाई है, और स्कूल में भी और काम बहुत है, जैसे चौक वगैरह है और रजिस्टर है, सारा काम है वो, मतलब
उसी फंड से होता है। तो ये बड़े काम है जो नहीं हो सकते, जैसे रंग रोगन करवा दिया, ये करवा दिया, ये हो सकता है। गेट भी तैयार करवाए मैंने, दो दो गेट तैयार करवाए वो ऑफिस वाले, ये वो ठीक हो सकते हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है, मतलब ये छोटे बजट में ठीक होने वाले नहीं है, मतलब ये गेट नहीं लगाना चाहिए, ये मतलब ये नया लगाना चाहिए, नया लगाना चाहिए। ठीक है, और शौचालय व्यवस्था है? शौचालय है, एक शौचालय, मतलब शौचालय दो होना चाहिए, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग होना चाहिए, पर यहाँ एक ही शौचालय, एक शौचालय और होना चाहिए यहाँ। मतलब अब है जो कि अपनी ऑफिस है, ऑफिस है। अच्छा ठीक है, तो अन्य सुबह अपने पोसार वगैरह, पोसार वगैरह तो देखो अभी तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पोसार तो बंद है, मतलब बनाना, और जो भी मतलब बच्चों को सीधा वितरण करने का आदेश है तो जो पोसार आता है वो वितरित कर देते हैं, और अभी तो मतलब एक लगभग एक साल का पेंडिंग पड़ा है, आया ही नहीं है। अच्छा, तो पीछे का जो है वो सारा वितरित कर दिया है। बिल्कुल, जो ऑफिस है एकदम अच्छी कंडीशन में, चेयर वगैरह की व्यवस्था है? चेयर वगैरह दो तीन कुर्सियां है, है आपका गन है। नहीं तो मतलब और स्थिति और थे मन बताओ, ताकि आपकी आवाज है जो कि सुन पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक है जो कि पुकार है जो कि जावेगी कि आपने स्कूल में और की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप बेहतर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था देखो एक तो पहले व्यवस्था आपने मतलब जो दिक्कत थी वो देख ली, मतलब गेट है वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, और अलमारियां है वो भी मतलब जंगल वगैरह वो सारे टूटे हुए हैं, और चार दीवारी वो थोड़ी कहीं दुरुस्त है, मतलब अच्छी नहीं है, तो वो भी ठीक करवानी है। और एक बड़ी समस्या है वो छत की समस्या है, स्कूल की जो छत है वो बारिश के टाइम में पूरी पानी नीचे आता है, तो बच्चों को भी उसमें दिक्कत है। ऑफिस में जैसे कागज वगैरह पड़े हैं, रजिस्टर है, तो वो भी कई बार एक दो बार भीग गए, प्रस्ताव भी दिया है लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं है। और लाइट की व्यवस्था है स्कूल में? लाइट की व्यवस्था है जी, बिल्कुल है, सामान लाए हुए, फिटिंग नहीं करवाई, पहले में गेट लगवा लें, ये थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद लाइट लगवा। लाइट की व्यवस्था है, व्यवस्था है, पानी की भी है, लाइट की भी है, दोनों ही है। एकदम एक एक एंगल है जो बढ़िया तरीकों बताया जाए, पेड़ पौधा एक लाइनों विस्तृत लाइनों लगा रखा है, और साफ सफाई है जो कि साफ सफाई बहुत उम्दा है गुरुजी, वास्तविकता में साफ सफाई मामला 10 नंबर था। बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई होने भी चाहिए, बच्चा ग्राउंड में खेले है, और जो भी है तो साफ सफाई हो तो बच्चा अच्छे तरीके से खेल सके ना। एकदम जर्जर हालात है, तो बाकी स्कूल की कंडीशन है जो कि ठीक है। अच्छा, तो अभी पहली क्लास में कितना बच्चा है? पहली क्लास में तो है गोनी। अच्छा, पहली क्लास में नामांकन नहीं है, दूसरी में 7 है, तीसरी में 7 है, चौथी क्लास में 10 है, और पांचवी में 4 है अभी। और टीचर किताब अभी स्कूल में? टीचर देखो साहब मैं एक ही हूं, वैसे तो यहां दो टीचर है, एक शशिकांत जी पुणे, उनका डेप्यूटेशन हो रखा है यहां से। अच्छा, अच्छा। किया मतलब एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं? पढ़ा लगा जी है, बढ़िया, टाइम टू टाइम आ रहे हैं, कौन आ रहे गुरुजी सामने खड़े हैं। हां, ए नीति सु पढ़ाता है, हां नीति सु पढ़ाता है, छोरा को भाव निकालता है, हां कहता है। अच्छा, टाइम टू टाइम कभी छुट्टी वगैरह करेगा? छुट्टी देखो अब तो आई में तो वहाँ पर कौन मैं रहे कौन कहीं वाले छुट्टी आप देखा कौन तो गवर्नमेंट छुट्टी में। हाँ, आप आ देखा। अच्छा, थार पोता वगैरह पढ़ रहे हैं? हाँ, गांव के बारे में थोड़ी सी बात करांगा आज, मैं थार गांव में आया लेकिन गांव में कोई आदमी कौन ला दियो, तो आदमी कितने गया सारा आदमी था जैसे कि दीदी काम को थोड़ा जी। हाँ, काम है इज्जत बारे उठ जाए। हाँ, और घर कितना हो सी गाँव में? घर तो हो सी भाई 15-20 है घर है। अच्छा, थारी उम्र कितनी है? मारी 73 है। पेंशन वगैरह बंदी है? हाँ, पता लुगाई थी कौन ही मारी बंदोड़ी है। पांचवी बाद में बच्चा पढ़े बेकट पढ़े फिर? वो तो गुलाम वाले, वो ऑटो कितना दूर है? 3 किलोमीटर उसे, तीन किलोमीटर है। फिर मांगे जाने आने की सुविधा? जाने आने की सुविधा किसी हिसाब है, रोड तक फिर टूटी पड़ी है। कोई बाल हो ना आवे तो कोट दे कैसे ले आसी, जिको भेज दे मई ता आ घर आ दे हदायत कर दे के टिंगर भेजो। अच्छा, जावे भी है घर में? हाँ, घर में कह भाई टिंगर भेजो। हाँ, पढ़ाई कराओ। हाँ, बिने पढ़ाई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब गुरुजी ओ थे अभियान के बना लिए, मतलब घर घर जाके क्यों थे? नहीं बिल्कुल साहब, देखो के अटे मैं शुरुआत में बच्चा बिल्कुल कम आता, 2-4 बच्चा बैठे रहता अटे, तो नाम तो मैं स्कूल में हो बांगो। हाँ, लेकिन बच्चा आता कौन, फिर मैं मतलब पतो करे भाई बच्चा क्यों कौन आ रहा। हाँ, तो फिर मैं घर जाके मिलियो, मैं तो मिलियो सर हूँ। हाँ, जार बात करी भाई थारो कारण के मतलब बच्चा ने क्यों कौन भेज रहा, तो के बस यही कौन भेज रहा, कोई बकरिया में जाओ कोई भेड़ा में जाओ। फिर आने आ बात समझाई, बकरिया भेड़ा में तो थे चरा ली, और अब बच्चा पढ़ाई को टाइम में पढ़ाओगा तो आगे मतलब थाने काम आओगी पढ़ाई, बच्चा का भविष्य बनाओगे। तो जाके मतलब एक बार को आज भी मैं जाऊं, कई बच्चा नहीं है तो आज भी मैं जैसे मान लो कोई एक बच्चा नहीं है तो मैं जाके पता करता हूं। अच्छा, भी क्यों नहीं आया है? तो वो कारण बता दे गुरुजी आज मैं काम है या जो भी है तो ठीक है। शौचालय है, शौचालय की कंडीशन बतानी बहुत जरूरी है। शौचालय की कंडीशन, गेट है, गेट लागेडो है, एकदम सेफ है क्योंकि लड़कियां हैं बेबी पढ़े इन महीने। तो अब मैं शौचालय के अंदर प्रवेश कर चुके हूँ, शौचालय की व्यवस्था ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। और ये वास्ते अब जो को अभियान है वो अभियान क्या लाग रहे हो थाने अंदर है जगह गुरुजी पढ़ा रहा है, वापिस में मैंने क्लास आपकी सौंप के आ गयो, दो बच्चा है जगह पानी पी साफ करना आ रहा है, व्यवस्था अनुकूल है, छुट्टी होने वाली है। और थाने एक बात और बताना चाहूँ, वो जो को अभियान है वो अभियान क्या लागो?
कमेंट करके राय जरूर बताए ताकि आप नेक्स्ट स्कूल में भी विजिट करा और स्कूल के अंदर की स्थिति है वह बतावा। थे देखते रहे झलको बीकानेर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बीकानेर।